नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन विवाद आम समस्या है। जमीन विवाद ही कारण है कि परिवार के बीच काफी लड़ाइयां होती हैं और कई बार स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। जमीन से जुड़े विवाद भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं, तो वहीं पुश्तैनी जमीन के मामले को लेकर कई बार कई घरों में दुखों का पहाड़ भी टूट जाता है। जिसके बाद से ही बिहार सरकार एक बात तो समझ गई है कि बिहार में मूलभूत सुविधाओं के अलावा एक जो बड़ी समस्या है वो है जमीन विवाद को सुलझाना। यही कारण है कि बिहार सरकार समय समय पर जमीन विवाद को सुलझाने के लिए नए नए कानून को पारित करती रहती है। हालांकि इन सबके बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर लगातार समस्या आ रही थी, जिसको लेकर ही अब बिहार सरकार ने कानून पारित करने की बात कही है। यानी कि अब बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रदेश पे बहुमत के आधार पर पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए कानून बनाने जा रही है। विभागीय मंत्री राम सूरत राय की माने तो प्रारूप को लेकर अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही ये तैयार हो जाएगा। राम सूरत राय की माने तो प्रक्रिया में थोड़ी देरी भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान मंत्री ने साफ कहा है कि बंटवारे का मसौदा सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा। अगर कोई ऐसे सदस्य है जिन्हें इस मसौदे से असहमति है तो वैसे सदस्यों के लिए भी ये बाध्य होगा। राजस्व विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मसौदे को सामाजिक मान्यता देने के लिए पंचायत के मुखिया और चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे उम्मीदवार के अलावा वार्ड सदस्य और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी दस्तखत करेंगे। आपको बता दें कि मंत्री रामसूरत राय ने इस साल जुलाई में घोषणा की थी कि राज्य सरकार पुश्तैनी जमीन के पारिवारिक बंटवारे के लिए नया कानून पर विचार कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि सहमति आधारित जमीन बंटवारा को कानूनी मान्यता दी जाए, क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों का अध्ययन बताता है कि पुश्तैनी बंटवारे में लोगों को अधिक परेशानी होती है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जमीन बंटवारे के मुद्दे को लेकर परिवार के सभी सदस्य अलग अलग मत रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के अधिसंख्यक सदस्य बंटवारा के किसी फॉर्मूले से सहमत होते हैं, लेकिन एक सदस्य की असहमति के चलते बंटवारा नहीं हो पाता है और जमीन से जुड़ा विवाद बढ़ता ही चला जाता है और बात कभी कभी नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है। ऐसे में ये खेल काफी भयावह भी हो जाता है और जमीन से जुड़े विवाद बिहार में कितने गहरे हैं ये बात आप और हम बखूबी जानते हैं। जिसके बाद अब बिहार सरकार के इस नए पहल से उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में जमीन से जुड़े विवादों की संख्या कम होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।